पता है मैं टीवी में भी एक्शन फिल्म्स नहीं देखता हूँ बिकॉज़ आई डोंट लाइक वायलेंस। टाइम इज 10:30 AM। रियल लाइफ में टाइम ट्रैवलिंग। तो दोस्तों, बॉलीवुड में लव स्टोरी पर फिल्में ढेर सारी बनी है और हर एक फिल्म की एक ही कहानी रहती है कि लड़का लड़की मिलते हैं, दोनों को प्यार होता है, उनके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम आती है और फिल्म खत्म होते होते दोनों मिल जाते हैं। लेकिन आज तक लव स्टोरी के साथ में कुछ अलग सा यूनिक हमें देखने को नहीं मिला था। पर एक पैन इंडिया फिल्म आ रही है बनारस, जिसका ट्रेलर देखने के बाद ये आइडिया लगता है कि इस फिल्म की जो कहानी है, इस फिल्म की जो थीम है, वो बाकी लव स्टोरी फिल्मों से काफ़ी अलग होने वाली है। क्योंकि दोस्तों, इस फिल्म के जो हीरो है जेद खान, वो इस फिल्म के अंदर टाइम ट्रेवल कर सकते हैं और फ्यूचर और पास्ट में जा सकते हैं। अब ट्रेलर में हमें देखने को मिलता है कि फिल्म के हीरो जाते हैं फ्यूचर में अपनी लवर से मिलने, उसके बाद उनके जीवन में क्या क्या परेशानी आती है, क्या क्या नए नए उनको सीन देखने को मिलते हैं, यही सब ट्रेलर में देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों, इस ट्रेलर में ये भी बताया है कि आने वाले समय में धूम 4 में सलमान खान नजर आएंगे। हालांकि ये बात कितनी सच है वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी बात करें बनारस के ट्रेलर की तो ट्रेलर देखने में काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है। ट्रेलर देखकर लग रहा है कि फिल्म के अंदर सिर्फ लव स्टोरी और रोमांस ही नहीं बल्कि टाइम ट्रेवल का एक अलग सा यूनिक सा कुछ देखने को मिलेगा। और फिल्म के ट्रेलर में एक्शन भी काफी बढ़िया है, यानी कि फिल्म के अंदर एंटरटेनमेंट का पूरा मसाला होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, ट्रेलर में फिल्म के एक दो गानों की झलक दिखाई है और वो गाने भी सुनने में काफी बढ़िया लग रहे हैं। साथ ही साथ फिल्म के जो हीरो है जेद खान, फिल्म में उनकी जो पर्सनैलिटी है काफी बढ़िया लग रही है और ट्रेलर में जो इनका स्क्रीन प्रेजेंस है कहीं ना कहीं एक मास हीरो वाली फीलिंग देता है। साथ ही साथ फिल्म की जो हीरोइन है वो भी काफी खूबसूरत लग रही है। ओवरऑल कहा जाए तो बनारस का ट्रेलर देखने में तो काफी बढ़िया है। अब देखते हैं कि जब फिल्म सिनेमाघरों में आएगी तो फिल्म में हमें क्या अलग सा और क्या एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों, अगर आपने बनारस का ट्रेलर देखा तो यह ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।